हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, गुड मॉर्निंग। 8 बजे वाली, आज है संडे और संडे में थोड़ा सा लेट लतीफ़ होते ही हैं सब काम। अभी यहाँ पे जो टीम है बच्चों की, वो कर रही है ब्रेकफास्ट। जो जो उठता जा रहा है वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। और आपका इतना नाराज ही ना, पूरे हफ्ते का जो है थकान उतार लिया है। आज हमें भी रिलैक्स हो गए, नींद आई। तो भाई, अब से होती है हमारी दिनचर्या शुरू। तो इसने हमें अभी एक टास्क दिया है, हमें मतलब मैं और चाचा जी को, एक पोर्टेबल खेत रखा है छोटा सा, कूलर की ट्रे काट के जिसमें टमाटर उगा रखे हैं। तो कह रही है उन पर टमाटर आने लगे हैं, उन पर छोटे छोटे से मिनी टमाटर आ रहे हैं ना। तो मैं पानी देने के लिए सुबह के टाइम जाऊँ ना ऊपर, तो मैंने आज देखा, तीसरे दिन जाऊँ ऊपर, तो मैं इन वालों में तो रोज दे। तो ध्यान करना भी जरूरी है ना, जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उसे उठा के वहाँ पे घेर में रख के आओगे, वहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी है, मतलब बंदरों की पहुँच अभी है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए उसे वहाँ पे रख देंगे। बाकी जो खेत हैं वहाँ पे छोटी छोटी क्यारियाँ उनके साथ में। और आज हम और भी सीड्स लगाएंगे, किस किस चीज़ के लगाएंगे वो आप सबको बताएंगे। चलो भाई, शुरुआत करते हैं दिन की। सबसे पहले वो जो है पोर्टेबल खेत, उसे रख के आते हैं घेर में, क्योंकि आज बंदरों का पूरा काफिला इधर की साइड में ही आ रहा, इस वजह से मुझे डर लग रहा। अगर एक भी ऊपर से नोक भी छूट दी ना, तो टमाटर खराब हो जाएंगे, मेहनत सारी खराब। तो यहाँ पे जो मंकीज की जो टीम है, उनका रोटेशन चलता है गांव के अलग अलग हिस्से में। तो रोटेशन चलते चलते इधर भी हफ्ते में एक दिन आता है उनका। तो आज जो है इसी इलाके में है वो। गाड़ी तैयार है, ऊपर के फ्लोर से उतार के लाएंगे वो ट्रे और इसमें रखेंगे। आकर बैठ गया, तैयार हो गए यहाँ पे, और मुरमुरे फ्राई करे थे आज मन्ने, इन्हें बढ़िया लग रहे खाने में, अच्छे लग रहे ना नंदू। आपको भी ला कर दूं? तुमने तो मेरी मजाक बढ़ा ली। एक वर्ड के कई कई मतलब हो गए। स्मार्ट मीन सुंदर नहीं होता क्या? स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर तो तुझे पता क्या है, स्मार्ट मतलब सुंदर। तो सुंदर नहीं है क्या? अच्छा लगता नहीं हो सर, सुंदर अगर इंसान पे स्मार्ट लगे तो वो उसके ऊपर है ना, किस चीज पे लग रहा है, मशीन पे लग रहा है। लेकिन मशीन पे लग रहा है तो उसका मतलब अलग होगा, उसका अलग होगा, तो वो सुंदर भी होने का। तो भाई, यहाँ पे अभी टीम आ चुकी है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये कौन सा खेल खेलेंगे, या ऐसे ही जो है अपनी मर्जी से अलग अलग ही खेलेंगे। खो खो आपके लिए, खो खो आरुष खो खो तेरे लिए भी, और पीछे वो आ गई है, ये बताओ कि कौन सा। मैं तो वो लेके आई, ये बीज भिगो के रखूंगी आज। ये तो अपनी खेती क्यारी के जुगाड़ में लगने आ गई, सीड्स लाई है कहीं कहीं के हैं, पता नहीं कहीं कहीं के, अब देखूंगी, गिलास में भिगो दूंगी। तो ये तो शाम को बोते हैं? नहीं, भिगो के रख दूंगी अब। अच्छा, भिगो के रखने हैं। कमेंट आ रहे थे पहले, अगर आप भिगो के बोगे तो जल्दी उगेंगे वे। तो भाई, भिगो के रखेंगे अभी। कुछ सीड्स हैं इसमें जो है, तोरी, भिंडी और शायद पेठा, देखना पड़ेगा किस किस चीज के हैं। ये भिंडी के होंगे है ना? ये तो भिंडी है। अच्छा, और बाकी इसमें है? बाकी इसमें है, इसमें दिखा कहीं कहीं के हैं। इसमें है तुरई और पेठा के बीज। ये तीसरी तीन तरह के लौकी, ये काले वाले तो तुरई। अच्छा, लौकी भी है, लौकी दूसरी तरह की है, गोल वाली होगी है। तो कई तरह के सीड्स हैं भाई ये। अब जब ये उग जाएंगे हमें भी नहीं पता ये कौन सी वैरायटी है। वो भिंडी है, भिंडी के सीड दिखाइयो कैसे, इसे भी दिखाओ भाई, इसे भी दिखाओ। हाँ देखो भाई, देखो बेटे, गिरा मत दियो। नहीं, ये देखो, उठाना नहीं यार, उसी हाथ में नहीं उठाना, रख दो उसमें, उसमें एनवलप में रख दो सारे भाई, हैं भिगो कर रख दो, शाम को बोवेंगे तो यही है। ये कहीं की तैयारी में नंदनी है? नंदनी, हाँ बताओ, नीचे चल रहे हैं। चलो, जो भी तुम्हें खेलना वो खेल लियो। पता नहीं कौन कौन सा खेल बता रहे भाई, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है, पर खेल लियो जो भी तुम्हारे पे आता है। देखो, एक ये डिस्पोजल और ये बोतल पानी की, ये तो ये लेके चलेगी बेटा। आप जिन्ने में उतरोगे कैसे फिर? चलो आराम से उतर जाइयो, ठीक है।
क्योंकि आप अभी छोटे हो, है ना, छोटे हो ना। एक एक स्टेप चलना है, एक एक। तो ये रख दिए हैं भाई, रख कहाँ दिए, अभी तो हाथों में ही है। ये भिगो दिए हैं भिंडी के बीज, कुछ सूखे रख लिए हैं और कुछ ये तीन वैरायटी तो तीन वैरायटी और भिंडी को मिला के चार वैरायटी सब्जियों की। तो भाई यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा सा जो है किचन गार्डन तैयार होगा, उम्मीद है एक आध महीने बाद। हैं, सारों में पानी मत भरो, ये क्या क्यों बता रहे हैं, देखो इन्हें बहुत पानी में मन लगे यहाँ पे टंकी वंकी चलाने का, ये सब चीज़ों का। अभी इन्हें खिलाना कोई एक गेम, कौन सा खिलाना? म्यूजिकल चेयर खिलाओ। म्यूजिकल चेयर, हाँ, बेस्ट ऑफ द पार्ट म्यूजिकल चेयर। पर ये तो कुछ और बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे भाई तुम? जो भी इन पर आ गए वही खेल लेंगे। क्या खेल बता रहे? खो खो चलो खेल लो, चलो 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 खिलाओ। तो इन्हें टीम बनाओ, पहले टीम बनाओ, टीम जितने जने हैं उसमें खेल लो। पता रात में नींद में क्या सोच रही, इतने सारे टमाटर ही टमाटर हो जाएंगे, नंदनी तोड़ कर खा करेगी, फिर मैं उसे काट के देख रही हूँ काला नमक लगा के। मैं सोच रही नंदनी खुश हो रही, मम्मी टमाटर आ गए, क्योंकि नंदनी के फेवरेट है टमाटर। जो हमारे पे टूटी चेयर होती है हम सही खेल सकते। हाँ, लगा लिया आपने। म्यूजिकल चेयर ऐसे होवे जोर से जुड़ी रहे होवे और उसे पकड़ के बैठना होवे। हाँ, जोर से टूट। ये पता नहीं क्या हुआ इसके हाथ पे, मच्छर ने काट रखा, पता नहीं क्या है, कल से ही हो रहा। पापा जी देखो, अब मैं बताऊंगी, इन कुर्सियों के आसपास घूमना और एक म्यूजिक चलेगा है, जैसे ही वो बंद हो जाएगा इन कुर्सियों पे बैठ जाना, जो कोई नहीं बैठा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा गेम से। ये होगा गेम से उसे बाहर निकलना जाएगा, इसलिए उसे म्यूजिकल चेयर कहते हैं। एक गाना बजेगा फोन में, मेरी बात तो सुनो, उसमें म्यूजिक चले और चेयर रखी जाए, इसलिए उसे म्यूजिकल चेयर कहते हैं। चलो मम्मी, मैं वीडियो देखूं ना गेम्स की, उनमें भी ऐसे ही दिखा जाए, जो उनसे चेयर एक म्यूजिक बजेगा और जो उनसे टूटी रहे चेयर उस पर नहीं बैठने, जिसको चेयर नहीं मिलेगी वो गेम तबाह। इनके चारों तरफ घूमना, बीच में कुछ इनके चक्कर काटना। चलो चलो भाई, ये तो टीम मैनेज करना बहुत भारी काम है, कभी कोई सा रूस जा कभी कोई सा। अब देखो नंदनी तो बैठ ही गई परमानेंट, ये तो विनर होगी दिखे। मैडम की भी हाथ मान लो, देख लो मैडम कैसे बच्चों को कितने अच्छे तरीके से सिखावे सब चीजें, मतलब उनकी हद है बिल्कुल, है नहीं, शाबाशी मानू मैं उनकी। देख लो नाराज होकर बैठ गई, कैसे हैंडल करूँ मैं इसे, सिखा मैं कुछ नहीं। मैं सोच रही है फोन टीवी कंप्यूटर से दूर रहे, थोड़ा सा कुछ वैसा खेल लें फिजिकली करे कुछ, और जी क्या नाम कुछ सीखे भी। भाई अरे नानी भाई तो कोई बैठा का बैठ जा, लड़ना नहीं ठीक है, उसे को टच नहीं करना। अरे नानी नानी मैं घर भाग दूंगा, ठीक है तू भाग जाइए, मैं नानी खेल ले। चलो चल भाई, कुर्सी को नहीं पकड़ लो, तेरे मम्मी पापा सब करवा देंगे, कोई बात नहीं ठीक है, जब हम है तो क्या गम है, दिक्कत ना मानना, चुप हो जा, डिप्रेशन में ना चली जाइए, तो कहूंगा कहेंगे। अब रह गया है लास्ट राउंड, और लास्ट राउंड में कौन होगी, आरुषि और चिंकी। चलो बेटा तुम सीखो कोई बात नहीं, चलो मैं म्यूजिक बजाऊंगी और म्यूजिक रुकते ही तुम्हें बैठना है चेयर पे, ठीक है, और देर तक करियो मम्मी, ठीक है, देर तक करना ना, चलो डन। आज तुम्हें थका दूंगी मैं, कम ऑन आरुषि। चिंकी आउट, आरुषि जीत गई, आरुषि जीत गई लास्ट राउंड में, आरुषि जीत गई।
अब मेरे बेटे की भी टेंशन खत्म होगी। उमर की जिराफ में कलर करवा दूंगी मैं, कोई बात नहीं, सैड ना हो। तो भाई कुछ खिलाड़ियों ने तो यहाँ पे गेम से नाम वापस ले लिया था, जिसमें ये शामिल है, जैसे कि नंदनी। और इसका मूड इसलिए खराब है कि इसका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा, और वो कैसे होगा, इस चीज की भारी टेंशन पापा है। जी, डायनासोर का बस एक हिस्सा रह रहा जब बनने में हो रही है। अरे नंदनी, हिस्सा रह रहा बस, ये तो ज्यादा ज्यादा प्रेशर लेगी ये तो। चलो तो विनर जो है फाइनली वो आरुषि है, और एक जो है बिना कारण बताए, एक खिलाड़ी बिना कारण बताए वो घर वापसी चला गया, वो साइकिल उठा के अपनी उसे चाहिए बांधना। बहुत तगड़े वाला कंपटीशन हुआ यहाँ पे, और एक ही गेम हुआ म्यूजिकल चेयर का, उसमें कुछ खिलाड़ी नाराज हैं, पता नहीं क्या मांग थी इनकी, कैसे हो गए ये पक रहे हैं, ये कह रहे हैं इधर गेहूँ खड़े ना धूप के मारे कैसे हो गए। बेटा ये पक रहे हैं और कुछ ही दिनों में, दो चार दिन में ये कटने शुरू हो जाएंगे। तो ये कह रही है कि फिर हमारी बॉल मिल जाएगी, बॉल खोई है इन्होंने, एक इसमें शटल को खोई है, हैं बैडमिंटन की। इन बच्चों की फरमाइश थी आज कुछ स्पेशल की, और ये इसने बता दिया पहले ही काहे की फरमाइश थी, क्योंकि गाँव में इससे स्पेशल ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, ये मिलेगा यहाँ पे, तो मैं भी लेके आया इनके लिए। तो इसमें बनाने का योगदान रहेगा गुड्डू और चिंकी का। और उसी बेटा आप बाहर आ जाओ, अभी आप फ्लेम से दूर रहो। अच्छा देखोगे हैं, हो भाई ये क्या ले रहा, जलेबी। अरे तू क्या, अच्छा ओ भाई जलेबी रखी थी क्या बच्चे इसकी। तो भाई यहाँ वही बन रहा है स्पेशल जो मैंने अभी आपको बताया है। और बच्चों को यहाँ पे ज्यादा को मत रखो अंदर, केवल दोनों गुड्डू चिंकी तुम रहो। आओ बेटा आप बाहर आओ, हम देखते हैं बेटा, फिर बाद में देख लो जब बन जाएगी, मन लग रहे हैं बात को। तो भाई कई दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सारे बच्चों के रिजल्ट्स दिखाइए, रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसीलिए इनके एडमिशन न्यू क्लास में हुए हैं। तो भाई ये हमारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं, और सबने जो है अपनी जितनी भी मेहनत की है उसका रेस्पॉन्स दिया है, सबके रिजल्ट पे गुड लिखा हुआ है। हाँ मेरे बेटे को गुड मिल, हाँ अब की बार गुड मिला है, उससे आगे वेरी गुड मिलने वाला है, क्योंकि ये बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करता है और फिक्र रहती है नेक्स्ट डे में भी काम की। तो ये देखो सब लोग अपने अपने रिजल्ट लेकर खड़े हुए हैं, ये देखो रिजल्ट अच्छे हैं कुल मिला के, बात ये है। और सबसे ज्यादा मेहनत की है और उसने, ये देखो, चलो परसेंटेज इनकी अगले साल बताएंगे, क्योंकि इस साल हम लोग इन पे और मेहनत करने वाले हैं, जैसे कि इनका न्यू स्कूल है तो उससे ज्यादा पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ाई करता है, कितना इंटेलिजेंट है। अच्छा रिजल्ट आने की वजह से बस इनकी फेवरेट मैगी यही पसंद होती है बच्चों को, और सबसे अच्छी बात है इनके डोकरू का भी रिजल्ट आया पहली बार। और मैं भी वेट कर रहा भाई, मेरी फेवरेट मैगी कहाँ है, और ये आ गई सबकी मैगी। चलो थैंक यू। मम्मी पापा तो थोड़ा ही खाते हैं, ठीक है कोई नहीं, आप खाओ एंजॉय करो। ओके